दोस्तों मैं आपके लिए आया हूँ भाई बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप अपने दोस्तों को शेयर करने पे मजबूर हो जाओगे एंड खुद भी वो चीज़ यूज़ करोगे गाइज। तो ये कारपेट का ग्लिच है जो कि अंडरग्राउंड आपको पूरे रेंगल मैप में घुमा सकता है, वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ गाइज। बड़े ध्यान से देखना भाई, आपको पहले कारपेट यहाँ रख लेना है ध्यान से, एंड इसके लिए आपको बग्गी जरूर चाहिए होगी एंड साथ ही साथ पोर्टल स्टफ चाहिए होगा। तो ये चीज़ें पहले कलेक्ट कर लेना एंड आपको बग्गी से इसको हल्का हल्का धक्का देना है ताकि ये अंदर की तरफ चले जाए। एंड जैसे ही अंदर की तरफ जाएगा आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना है गाड़ी से एंड इसके ऊपर आपको ड्राइव करना है। ड्राइव करने का तो आपको तुरंत एग्जिट करना है, ड्राइव करना है, एग्जिट करना है, ये चीज़ें जल्दी जल्दी आपको करनी है एंड एक दो टाइम लगेगा आपको, एक दो बार में आप जैसी ही चीज़ करोगे बूम गाइज भाई कितना अमेजिंग है गाइज। हम पूरे शेल्टर के अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप कैंप कर सकते हो, यहाँ पर आप इजीली घूम सकते हो। वेल यहाँ से आप किसी को शूट नहीं कर सकते बट आप मॉली ग्रेनेड कर सकते हो, थ्रोएबल आइटम यूज़ कर सकते हो। वेल गाइज ये तो अभी ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। जी हाँ गाइज, अब आपको यहाँ पर एक पोर्टल का यूज़, मैंने आपको बताया था यहाँ पर पोर्टल का यूज़ होने वाला है। ये बहुत इजीली आपसे हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, बस आपको स्टेबल रखना है एंड जैसे ही आप ये चीज़ करोगे स्टेबिलिटी बूम गाइज यहाँ से आप बाहर आ जाओगे। वेल अब यहाँ से मैं कारपेट का क्या यूज़ करने वाला हूँ ये चीज़ ध्यान रखना गाइज। यहाँ से मैं अपने कारपेट को उठाने वाला हूँ, मैंने टीममेट को बोला कि पीछे वो बग्गी एंड यहाँ से मैंने ब्रिंग कर लिया। अब इसको ये चीज़ ध्यान रखना गाइज, आपका जो कारपेट है पूरा सीधा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए मूव इसका। आप बैक साइड से लेके जाओगे तो वो चीज़ यूज़ नहीं होगी, यहाँ से आप स्ट्रेट रखना बिल्कुल एंड आप अकेले और अपने टीममेट के साथ भी ये चीज़ कर सकते हो। एंड बूम गाइज हम आ चुके हैं भाई इरेंगल मैप के अंदर एंड आप ये चीज़ देखो भाई कितना अमेजिंग व्यू है। वेल पूरे इरेंगल मैप में आप घूम सकते हो, फिर चाहे वो किसी भी तरीके का इवेंट हो या फिर आप किले के आसपास की फाइट देख सकते हो, कौन कौन आप स्पॉट कर सकते हो, अपने टीममेट्स को बता सकते हो, यहाँ से आप थ्रोएबल कर सकते हो, उन पे नॉक कर सकते हो एंड पूरे रेंगल मैप में आप घूम सकते हो। और आपको अगर ऊपर आना है सिंपली आपको एंसेंट पे क्लिक करना है गाइज एंड जैसे आप वो चीज़ करोगे बूम गाइज ईजिली आप ऊपर आ जाओगे। तो कितना अमेजिंग है ना यार, जल्दी से गाइज फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर करो एंड ट्राई जरूर करना गाइज। तो चलते अपने नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। दोस्तों क्या आप अपने करेक्टर से बोर हो चुके हो? वेल गाइज मैं आपको शॉक करने वाला हूँ एंड आप अपने टीममेट्स को भी शॉक कर सकते हो, वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ गाइज। यहाँ पर हमारा जो करेक्टर है वो बन चुका है जीनी भाई, कितना ज़्यादा अमेजिंग है ये गाइज एंड काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। वेल कैसे होगा गाइज, आपको स्काई हाई पे क्लिक करना है एंड जैसे आप स्काई हाई पे क्लिक करोगे यहाँ पर इवेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये दिखेगा भाई जीनी ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ गाइज इस पर आपको क्लिक करना है, आपको परचेज कर लेना है। वेल कॉइन सबके पास होंगे क्योंकि सब लोग क्लासिक खेलते हो तो क्लासिक से कॉइन मिल जाते हैं। यहाँ पर परचेज करने के बाद आपको वापस से लॉबी आ जाना है, यहाँ पर इफेक्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे इस पे यूज पे क्लिक करना एंड बूम गाइज आपका बन चुका है करेक्टर जीनी एंड ये टाइम लिमिटेड है, जैसे कि 5 से 6 सेकेंड ही रहेगा। वेल ये आप स्पॉन लाइन में भी कर सकते हो एंड ये देखो भाई कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है भाई, ये मतलब लिटरली भाई आप भाई कितना सोचो कितने कूल लोग हो भाई अभी चीज़ करके। तो जरूर ट्राई करना भाई एंड यहाँ तक अगर आप वीडियो पहुँच ही गए हो तो फटाफट से लाइक कर दो गाइस, एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, काफ़ी मेहनत लगी है भाई वीडियो बनाने में। चलते अपने नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, लेट्स गो गाइस। दोस्तों ये वाली लोकेशन तो भाई सबने देखी होगी। वेल गाइस सबको पता है भाई ये गुफा बिना चाबी की नहीं खुलती एंड इस गुफा में हर कोई जाना चाहता है, वो क्यों? क्योंकि गाइज इसके अंदर है भरपूर लूट लेवल 3 को लेके। वेल दुखी मत हो गाइज, तुम्हारा भाई लेके आए एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो बिना चाबी के मैं तुम्हें इसके अंदर घुसा दूंगा, वो कैसे गाइज? फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स तो भाई सभी ने देखी होगी भाई, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आ जाते हैं भाई फार्म वाली लोकेशन पे एंड यहाँ पर आपको स्विच दबा देना है ताकि आपका जो कारपेट है वो ऊपर की साइड आ जाए एंड जब उसके आप क्लोज आ जाओ गाइज आपको इंसेंट का बटन दबा देना है एंड बूम गाइज आप आ चुके हो भाई बिना चाबी के अंदर एंड सारी लूट आपकी हुई भाई। एंड अगर कोई भी एनिमी जो बाहर होगा आप उसको शॉक कर सकते हो गाइज। यहाँ पर आपको मैं पहले दिखा देता हूँ भाई, देख लो भाई यहाँ पर कोई गेट ओपन नहीं है बट मैं इसके अंदर हूँ गाइज। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी यार आपको एंड इसके बाहर कैसे निकलना आपको ये भी मैं आपको बता देता हूँ गाइज। यहाँ की लूट लेने के बाद आपको सिंपली इन दोनों पे जो है ये इस पर क्लिक करना है गाइज एंड यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे एक आपको डोर ओपन मिलेगा जो कि ऊपर की लोकेशन पे होता है वहाँ पर एंड आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही डोर ओपन करोगे यहाँ ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ये लीव का ऑप्शन दिखेगा गाइज एंड यहाँ से आप लीव करके इजीली बाहर आ सकते हो। तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, सिंपल सी ट्रिक है गाइज। मजा आया तो फटाफट से लाइक टोको गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। बाय बाय, लव यू सो मच एवरीवन।